हेलो एवरीवन, हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू द सेशन। कैसे हो बच्चों? हाउ इज एवरीवन, व्हाट्स अप? वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू क्लास। दिस इज मी अवि अरोड़ा, योर मैथ्स एडुकेटर। सो गाइस, इफ यू कैन सी मी एंड हियर मी, डू लेट मी नो इन द चैट। कैसे हो बच्चों? हाउ इज एवरीवन? हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू सेशन। दिस इज मी अवि अरोड़ा, योर मैथ एडुकेटर। एंड बच्चों, आज हम नया ही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। हाय हाय मंशा, हाय सुनील, हाय निशा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से तो मेरे ख्याल से अब तक बच्चों को प्यार हो जाना चाहिए, क्योंकि यार देखो, टेंथ में भी था, इलेवेंथ में है, ट्वेल्थ में आएगा, हर चैप्टर में आगे घुस जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपने जहाँ पे टेंथ में रोका था, जहाँ पे खत्म किया था, वहीं से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है? तो कैसे हो बच्चों? हाँ जी, हाय 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 आर्यन, हाय सलोनी, सलोनी, आई एम गुड यार, आई एम गुड, गुड इवनिंग, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। हाय अभिषेक, वेलकम टू सेशन बच्चे। हाय प्रिंस, वेलकम बैक। जी हाँ, कैसे हो, कैसे हो यार सभी लोग? फटाफट से चैट में बता दो यार, फटाफट से सारे बच्चे चैट में बताएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मज़े कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने। अच्छा, वी यू आर डूइंग गुड, अरे बहुत अच्छी बात है, गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, स्टार्ट करें फिर सेशन को, है ना? चलिए, तो इस चैप्टर को अपन, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, थोड़ी ज़्यादा क्लासेस करनी पड़ेंगी हमें इसमें। अभी तक हमने सेट्स पढ़ा है, रिलेशन फंक्शन पढ़ा है, तो वहाँ पर क्या कि थोड़े छोटे छोटे चैप्टर थे ये दोनों। ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होने वाला है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा क्लासेस देने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्लास है इसको आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जैसे कि बाकी फंक्शंस होते हैं उस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होता है, ठीक है? उस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं। तो आज हम इन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, इनकी डोमेन के बारे में बात करेंगे, ये फंक्शन कैसे बिहेव करते हैं इसके बारे में बात करेंगे, एंगल्स के बारे में बात करेंगे बेसिकली, कि भाई एंगल्स तो पता ही सभी को क्या होते हैं, तो एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों को मतलब है ना, आई थिंक लग रहा होगा यार एंगल तो कोई भी मेजर लग रहा होगा ना आप लोगों को, कि यार एंगल मेजर करने में क्या है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, सब पता ही है। बट आज एक नई यूनिट बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, एक नई ही यूनिट बताने वाला हूँ जो आपने शायद सुनी नहीं होगी अभी तक, एंगल्स को मेजर करने वाली। सुनी है कि नहीं सुनी है? कितने बच्चों ने नई वाली यूनिट सुनी है? मेरा टैलेंटेड स्टूडेंट अभिषेक सैड, भाई क्या हो गया अभिषेक को? वाई इज अभिषेक सो सैड, बताओ यार। हाँ जी, तो सेशन को आगे बढ़ाएं बच्चों। अच्छा, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम गाइस, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। बच्चों, मेरा नाम अवि अरोड़ा है, आई एम द मैथ एडुकेटर ओवर हियर, यहाँ पर मैथ पढ़ाता हूँ मैं। आई हैव टॉट स्टूडेंट्स फॉर वेरियस एग्जाम्स, मतलब काफ़ी बच्चों को मैंने काफ़ी एग्जाम्स के लिए पढ़ाया। स्टार्ट मैंने किया था JEE पढ़ाने से, फिर उसके बाद बीच में 9th-10th भी पढ़ाया था, साथ में JEE पढ़ाया था, फिर उसके बाद ओलंपियाड्स के लिए पढ़ाया था, अभी CBSE बोर्ड्स के लिए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी एग्जाम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया। आई हैव टॉट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज माय कोड विच यू कैन यूज टू अनलॉक एनी ऑफ द स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास के लिए अनलॉक को अनलॉक करने के लिए या प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों? ठीक है, रेडियन, वेरी गुड मंशा, बिल्कुल सही बताया। अभी हम, मैं ना नई आपको मैं यूनिट बता रहा हूँ, वो होती है रेडियन। रेडियन के बारे में है आज का पूरा सेशन ही रेडियन के बारे में है, और आगे से हम लोग एक प्रण लेते हैं, सारे बच्चे मेरे साथ में प्रण लेना है, ठीक है? क्या प्रण है कि हम आगे से डिग्री के अंदर बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ रेडियन में बात करेंगे। आगे से आने वाले हर ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन में हम लोग बात करेंगे सिर्फ रेडियंस में, ठीक है? अगर मैं डिग्री में बात करूंगा तो आप लोग मुझे टोक देना, और अगर किसी बच्चे ने डिग्री में आंसर किया तो मैं आपको टोक दूंगा, ठीक है? हाय कोमल, वेलकम टू सेशन, है ना जी? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को, है ना? हाय किरण, ठीक है। एंड गाइज, इफ यू वॉन्ट टू स्कोर रियली गुड इन योर स्कूल बोर्ड एग्जाम्स, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, एंड यू हैव अ 10% डिस्काउंट एज वेल, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर स्कोरिंग स्कूल बोर्ड के एग्जाम की, स्कूल की तैयारी, बोर्ड की तैयारी, इन सब में आपको इन कोर्सेज की बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। यूज़ माई कोड AVEE10 एंड इट विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम्स, एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट एज वेल, ठीक है?
एंड बच्चों ये है टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको बच्चों क्लास नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास नोट्स, पीडीएफ, क्लास अपडेट्स, ऑल दिस इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आइए। अच्छा, डाउट्स गाइस, इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट्स, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी चैप्टर में, फील फ्री टू आस्क दिस डाउट सेक्शन। आप ऐप को खोलेंगे, ऐप पे आपको फ्रंट पेज पे हाउ टू आस्क डाउट बता देता हूँ मैं कैसे पूछना है। आपने अपने डाउट को देखना है, उसकी फोटो लेनी है, उसकी तस्वीर लेनी है, उसकी तस्वीर इनको दे देनी है, भैया जो है ये आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो सॉल्यूशन दिखा देंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर एंगल्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस। हाँ जी, एक एंगल कैसे बनता है, अभी तक क्या हो रहा था ना। ठीक है, लेट्स टच, पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि यार बच्चों आप लोगों को एंगल्स की क्या डेफिनेशन पता है। जी हाँ, एंगल्स की आप लोगों को क्या डेफिनेशन पता है, क्योंकि टेंथ में जो एंगल्स की आप लोगों को डेफिनेशन पता थी ना, वो हम आगे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि टेंथ में प्रॉब्लम क्या थी, हमने कभी नेगेटिव एंगल तो सीखे ही नहीं, वो अब आएंगे 11th क्लास में। ठीक है, तो हाँ चलो, हर्षिता ने तो प्रण ले लिया है, यही प्रण सारे बच्चों ने लेना है, सारे बच्चे एकदम ऐसे ऐसे आगे हाथ करके प्रण लेंगे कि आज से हम सिर्फ और सिर्फ रेडियन में बात करेंगे, कोई बच्चा डिग्री में बात नहीं करेगा। मैंने भी ये प्रण लिया है, मैं जब भी कोई क्वेश्चन कराऊंगा, अनलेस उसमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं सिखाना होगा, मैं डिग्री का यूज नहीं करूंगा। ठीक है जी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ऐप पर हो गई है, ऐप पर ट्रिग्नोमेट्री कवर हो चुकी है। ठीक है जी, चलो एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक टेंथ में क्या, हाय हाय आसमा, वेलकम टू सेशन बच्चे, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना। तो हाँ, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन टू अनदर लाइन, ये बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल मनचान ने यही बताया। यार अभी तक जो हम एंगल की डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, वो क्या थी कि यार एंगल क्या है, एंगल है जब दो लाइन मिल जाएंगी तो उसको एंगल बोल देना। हमें किसी ने कहा कि जब दो लाइन्स ऐसे मिल जाए ना तो इसको एंगल बोल देना, इनके बीच में जो एंगल होता है इसको बोल देना, जो बीच में रोटेशन होता है इसको एंगल बोल देना, इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको, राइट, एंगल मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग रेज। अच्छा, इनके कुछ नाम भी पढ़े होंगे आपने, कुछ नाम पढ़े हैं कि इन रेज के, इन रेज को क्या बोला करते थे, याद है? मैं अभी की डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, पहले हम जब पढ़े थे तो हम इनको क्या, इनको आर्म्स नहीं बोलते थे एंगल का क्या, दीज टू लाइन्स, क्या हम इसको आर्म बोलते थे कि नहीं बोलते थे? एंगल इज मेड बाय, बिल्कुल सही बताया अर्षिता, है ना, वेरी गुड। चलो इस पे मैं आता हूँ, आपने जो डेफिनेशन बताई है इस पे मैं आता हूँ, है ना। पहले हम इस डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हमने कहा यार कोई भी दो लाइन लगा दो वो इंटरसेक्ट करेंगी, उनके बीच में जो रोटेशन है उसको हम एंगल बोलते थे, और इसके दोनों साइड्स को आर्म बोलते थे, और ये जो कोना है जहाँ पर ये मिलती थी इसको हम वर्टेक्स बोला करते थे। याद है कि नहीं याद है? अब नई डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन अपने दिमाग से निकाल दो, नई डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में डाल लो। अब डेफिनेशन क्या है कि अब दो आर्म्स नहीं है, एक ही आर्म है और ये हो रही है रोटेट, ये एक ही आर्म है, एक हो रही है, ये हो रही है रोटेट, जैसे कि ये पेन है, अगर इसको मैंने रोटेट कर दिया, अब रोटेशन का एक फंडा है, आपको एक पॉइंट जो है इसका फिक्स रखना होता है, जब भी आप आर्म को रोटेट करोगे ना या फिर रे को रोटेट करोगे, आपने एक पॉइंट को फिक्स रखना है और दूसरे पॉइंट, दूसरे पोजीशन पे लेके जाना है, जैसे कि इस एग्जांपल में हो रखा है। ठीक है, इनिशियली वो OA पे था, घूम के वो OB पे पहुंच गया, इनिशियल वाले को बोलते हैं इनिशियल साइड और बाद वाले को बोलते हैं टर्मिनल साइड। अब ये हमने क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ, ऐसा हमने ये डेफिनेशन का इजाद क्यों किया हमने, व्हाट इज इनिशियल साइड, जो वो उसकी इनिशियल पोजीशन है, जैसे कि ये पेन है, इस पेन को घुमा के मैं ऊपर ले गया, घड़ी है ना, घड़ी घूमती है, ऐसे ये पेन है, ये पेन घूम के ऊपर चला गया, तो जहाँ से उस एंगल ने घूम, उस पेन ने घूमना या उस लाइन ने घूमना स्टार्ट किया वो उसकी इनिशियल साइड है, और जिस तरफ वो घूम के जब वो फाइनल जगह पे पहुंच गया उसको बोलेंगे टर्मिनल साइड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताता हूँ। कभी भी आप इनिशियल से फाइनल पे जाते हो, आप इनिशियल से टर्मिनल पे जाते हो, और अगर आप बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
समझते हो ना सब लोग, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, घड़ी की डायरेक्शन के ऑपोजिट जाओगे तो आपने एंगल को लेना है पॉजिटिव। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो ध्यान से, इनिशियल से टर्मिनल जब इस वाले केस में गए तो हम लोग क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो सेकंड वाला केस है वो घड़ी की डायरेक्शन में है, और पहला वाला जो केस है वो घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो पहला वाला केस को हम एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, दूसरे वाले को हम क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, और ये जो डायरेक्शन है इसको हम नेगेटिव एंगल बोलते हैं। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसको नेगेटिव बोलते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज होती है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ये है जनरल रूल कन्वेंशन। हाय पराशर, अभी पराशर, वेलकम टू सेशन, दिस इज योर फर्स्ट क्लास विद मी, ओके, आई होप यू रियली लाइक इट, एंड मेक श्योर सेशन, अच्छा सारे बच्चे मेक श्योर सेशन को लाइक जरूर करें, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझ में आ गई ये बात? ये फंडा क्लियर है क्या? नेगेटिव पॉजिटिव एंगल का फंडा क्लियर है कि नहीं, एक बार चैट में बताओ सारे बच्चे, क्या सभी बच्चों को नेगेटिव पॉजिटिव एंगल का फंडा क्लियर है? नेगेटिव पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला फंडा क्लियर है ना? चलिए अब मैं उस चीज पे आ रहा हूँ। अब देखो, अभी तक एंगल वाली चीज भी आपको पता थी, अब मैं आपके साथ नेक्स्ट चीज पे आ रहा हूँ, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इसके अंदर फर्स्ट चीज जो हम डिग्री के बारे में बात करते हैं, डिग्री ऑफ मेजरमेंट, ध्यान से सुनना इस चीज को, डिग्री मेजरमेंट, ये हम अभी तक करते आ रहे थे, इसका हमने अभी तक यूज किया है। हमने पढ़े कि भाई एक्यूट एंगल पढ़े लेस देन 90, हमने पढ़ा राइट एंगल इक्वल टू 90, तो ये सब की जरूरत कहाँ से पड़ी? तो बेसिकली हुआ क्या कि लोगों ने कहा कि यार एंगल को नापने के लिए कुछ तो चाहिए। स्टार्ट किया लोगों ने वन रेवोल्यूशन से। रेवोल्यूशन समझते हो ना, अगर कोई भी सर्कल है वो घूम रहा है, कोई भी चीज़ है वो रोटेट कर रही है, अगर वो पूरा का पूरा घूम गया, जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहाँ तक वो घूम के पहुँच गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। किसी भी चीज़ ने घूमना स्टार्ट किया, गोल गोल चीज़ ने, और घूम के वो अपनी इनिशियल पोजिशन पे ही आ जाए, तो उसको लोगों ने क्या कहा? वन रेवोल्यूशन। स्टार्ट ऐसे हुआ, फिर लोगों ने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ी यूनिट ले ली तुम लोगों ने, अच्छा अगर इसको भी हमें और छोटे छोटे एंगल्स को नापना हुआ तो। फिर लोगों ने कहा कि एक रेवोल्यूशन को चार पार्ट्स में बांट दो, तो लोगों ने कहा कि यार एक राइट एंगल बनाते हैं, तो राइट एंगल के लिए क्या कहा? वन फोर्थ ऑफ रेवोल्यूशन को लोगों ने कहा इट विल बी कॉल्ड एज वन राइट एंगल। तो ये एक नई चीज आई जिसके ऊपर लोगों ने एंगल को नापना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिसके ऊपर लोगों ने, बिल्कुल हर्षिता अच्छा एग्जांपल दिया, टायर का जो रेवोल्यूशन होता है, टायर घूमता है ना, गाड़ी चलाते हैं टायर घूमता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद नया आया, लोगों ने कहा कि चलो राइट एंगल में नापना शुरू कर दो, कि अगर मान लो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, लोगों ने कहा कि इसको चार राइट एंगल्स बोल देंगे। लेकिन अब लोगों ने कहा कि इसको और छोटा करेंगे, अब क्या कहा लोगों ने? इसको और छोटा कर दो। तो और छोटा लोगों ने क्या किया? लोगों ने कहा कि चलो अब एक काम करो, आप एक रेवोल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स में बांट दो, और हर एक इक्वल पार्ट को हम नाम देंगे डिग्री। यहां पे डिग्री की बात स्टार्ट हुई, है ना, समझ में आ रही है? बिल्कुल निंजा तौर से बताया गया, अर्थ का रेवोल्यूशन है, अर्थ भी घूमता है ना 360 डिग्री, अर्थ भी घूमता रहता है, अपनी एक्सिस के अबाउट घूमता है 360 डिग्री, राइट। तो इस तरह से हमने फर्दर बांट दिया। यहाँ तक आप सबने 10th में पढ़ लिया था, यहाँ तक आप लोगों ने मेरे ख्याल से 10th में पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा 11th की चीज़ ऐड कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक कोई यहाँ तक कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है ना जी। अब मैं थोड़ी सी नई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, अभी भी लोगों का मन नहीं भरा, लोगों ने क्या कहा? इसको और बांटो, डिग्री में भी मज़ा नहीं आया लोगों को। मतलब सोच रहे हो, एक सर्कल को लोगों ने 360 पार्ट्स में बांट दिया, लेकिन मज़ा नहीं आया लोगों को, लोगों ने कहा इसको और बांटेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको फर्दर लोगों ने और डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब कैसे? देखो एक सर्कल है, सर्कल को हम 360 पार्ट्स में बांट चुके हैं, ऐसे करके 360 पार्ट्स में बांट चुके हैं कि भाई ये एक हो जाएगा छोटा सा पार्ट, ऐसे करके 360 पार्ट्स में बांट दिया। लेकिन अब इससे भी छोटे पार्ट में ले गए, वेरी गुड मंशा, बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट क्या कहा लोगों ने कहा इसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा 1 डिग्री को भी बांट दिया,
वन डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये जो ऐसे सिंबल्स है ये अपोस्ट्रोफी का, इसको हम बोलते हैं मिनट्स, ठीक है, ये सिंबल है मिनट्स का। तो एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। हाय ज्योति, वेलकम टू सेशन बच्चे, ठीक है। जेई कवर हो रहा है क्या? जेई यहाँ पे कभी कवर नहीं हो रहा है, जेई शायद हम लेटर करेंगे बट अभी तो नहीं कर रहे, ठीक है। अब आगे, अभी भी मन नहीं भर रहा लोगों का, अभी भी मन नहीं भर रहा, अभी कह रहे हैं हम और तोड़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और तोड़ेंगे इसको। अब क्या कर लोगों ने, हमारा अभी मन नहीं भर रहा है, एक मिनट में इसको और बांटो, 60 सेकेंड्स कर दो। एक मिनट को भी तोड़ दिया, 60 सेकेंड्स कर दिया। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गई मेरी बात? तो ये है यूनिट्स ऑफ डिग्री यूनिट, ये डिग्री मेजरमेंट्स के बारे में मैंने आपको सब बता दिया। हाय अभिषेक, कोई बात नहीं बेटा, वी हैव जस्ट गॉट स्टार्टेड, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, क्या सभी को डिग्री मेजरमेंट समझ में आ गया? फटाफट चैट में बताएंगे सारे बच्चे। डिग्री मेजरमेंट तो कोई दिक्कत तो नहीं है, डिग्री मेजरमेंट तो कोई प्रॉब्लम। ये हो गई एक यूनिट, ठीक है, ये हो गई एक यूनिट जो हमने सीख ली, ठीक है। वन डिग्री मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो और छोटा मांटना होता है ना। अब लोगों ने कहा कि यार मेरे को, अगर मान लो बेटा आपको दिल्ली से जाना है गुड़गांव, तो आप किलोमीटर में नापोगे, लेकिन अगर मान लो आपको अपने रूम से बाथरूम जाना है या रूम से किचन जाना है, तो क्या आप उसको मीटर में, उसको किलोमीटर में नापोगे? नहीं, उसको आप मीटर में बांटो नापोगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बांटनी है, उसको आप सेंटीमीटर्स में भी नाप सकते हो। तो हर एक मेजरमेंट्स के लिए हमें वेरियस यूनिट्स सही होती है ना, वही फंडा है। एक रेवोल्यूशन को बांटा 360 डिग्री, एक डिग्री को बांटा 60 मिनट, और फिर एक मिनट को बांटा 60 सेकेंड्स, ठीक है। अभी इसका फर्दर मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली बस ये नाम है, नाम कंफ्यूज नहीं होना है। एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, उस तरह से एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। अब नई यूनिट लेके आ रहा हूँ, ये है सबसे खतरनाक और ये है सबसे इंटरेस्टिंग। ध्यान से सुन लेना इस लाइन को, अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई ना, तो सारे क्वेश्चन कर लोगे आप इसके, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसकी डेफिनेशन बड़ी अमेजिंग है, इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, और सारे के सारे फॉर्मूले जो आगे आएंगे, सारे के सारे इससे रिलेटेड जो थ्योरी, जो भी रिजल्ट्स आएंगे, वो इस लाइन के ऊपर आएंगे। एक लाइन बोल रहा हूँ बस, वही लाइन से सारा गेम हो जाएगा। क्या है एंगल, ये मैं रेडियन की डेफिनेशन बता रहा हूं, एंगल मेड बाय आर्क ऑफ आर यूनिट्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट्स एट सेंटर इज कॉल्ड वन रेडियन। मतलब कि अगर आपको 10 मीटर का मान लो रेडियस दे दिया किसी ने, 10 मीटर का रेडियस दे दिया, तो उसके अंदर अगर हमने बाहर से एक आर्क ले ली और उसकी लेंथ भी 10 मीटर है, तो वो जो अंदर की तरफ सेंट एंगल बनाएगा वो कितना है, वो आर यूनिट, वो एक रेडियन बन जाता है। समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल जैसे इस फिगर में एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1 यूनिट। अब हमने क्या किया, हमने बाहर से एक आर्क उठा ली जिसका भी आर्क का लेंथ 1 है, तो वो एंगल कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। यहाँ पर एग्जांपल देखो, एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 1.5 यूनिट्स। अब इसके अंदर हमने एक ऐसी आर्क खींच दी जिसकी लेंथ कितनी है, 1.5 यूनिट्स, तो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा वो, 1 रेडियन। ये फंडा है रेडियन का, ठीक है। जितनी रेडियस है उतनी ही लेंथ का अगर आपने आर्क लिया, तो वो आर्क जो सबटेंड करेगा एंगल एट सेंटर, दैट्स कॉल्ड 1 रेडियन। अब इससे मैं एक बहुत ही अमेजिंग सा फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? इस डेफिनेशन को समझ, ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो चैट में एक बार थम्स अप देना। इससे मैं बहुत ही अमेजिंग सा एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर आज का पूरा की पूरी आपकी एक्सरसाइज करेंगे 3.1, ठीक है। तो एक बार से, हाँ, सेंट्रल एंगल इज एल बाय आर, बिल्कुल सही बताया सलोनी, इसी को डिराइव करेंगे हम। हाँ, मंचा ने बिल्कुल सही बताया, ये जो हमने रेडियन मेजर पढ़ा है, इट्स कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम, ये सर्कुलर सिस्टम के अंडर आता है, ठीक है। तो बच्चों जरा जवाब देना मेरी इस बात का, मैंने आपको ये बोला है कि अगर आर रेडियस का अंदर हमने आर यूनिट लेंथ का अगर सर्कल बना दिया,
मैं आपको इसको फिगर में दिखाता हूँ, ये चीज़ हम फिगर में देखते हैं। देखो अगर मानो ये जो सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, इसकी जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, इस बात का जवाब देना, इस सर्कल की रेडियस आर है। और अगर मैंने आपको बोला है कि अगर हम आर ही लेंथ की आर्क लेंगे तो एंगल कितना बन जाएगा, वन बन जाएगा, राइट। अच्छा अगर मैं आर की जगह, ध्यान से सुनना इस लाइन को, अभी रेडियस कितना दिया हुआ है मैंने आपको, आर दिया हुआ है, लेकिन अगर आर्क की लेंथ वन ले लूँ तो कितना एंगल आएगा, आर आर्क का एक रेडियन बन रहा है, एक यूनिट आर्क का कितना रेडियन बनेगा बताओ। दोबारा बता रहा हूं, एक आर लेंथ के एक आर्क ने वन रेडियन बनाया, वन यूनिट की आर्क कितना रेडियन बनाएगी, वन बाय आर। बिल्कुल सही बताया मंशा ने, साक्षी ने, बिल्कुल सही आंसर आया, वेरी गुड। ऑब्वियसली बात है ना, अगर पूरे से तुम आर बना रहे हो तो यूनिटरी मेथड लगाओ, यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर पूरे से तुम्हें वन रेडियन मिल रहा है तो सिर्फ वन यूनिट से, अगर मान लो सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, आर सेंटीमीटर से एक रेडियन मिल गया तो वन से तो वन बाय आर रेडियन नहीं मिल जाएगा क्या, वन बाय आर रेडियन फ्रॉम वन यूनिट आर्क, है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अच्छा फिर एल लेंथ से, एक यूनिट आर्क से हमें वन बाय आर रेडियन मिल गया, रेडियन का सिंबल होता है ये, ऊपर छोटा सी लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियन। तो मुझे ये बताओ एल यूनिट आर्क से कितना मिलेगा, एल यूनिट आर्क से कितना मिल जाएगा बता दो। अगर वन से वन बाय आर है एल से, बताओ वन से वन बाय आर है एल यूनिट आर्क कितना बड़ा एंगल बनाएगी एक सर्कल में जिसका रेडियस आर है, एल बाय आर बनाएगी कि नहीं बनाएगी। बिल्कुल सही बताया मंशा ने, साक्षी, प्रिंस, रोहन, एल बाय आर बनाएगी कि नहीं बनाएगी, तो एंगल कितना आ गया, एल बाय आर। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर इन रेडियंस, यानी डिग्री में नहीं आएगा आपको आंसर, रेडियन में आएगा। एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड डाउट्स, एंड दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, समझ में आ गया फंडा, समझ में आ गया बच्चों फंडा। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चंस। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, करें प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। अच्छा एक लास्ट चीज, अब बात करते हैं कन्वर्जन के ऊपर, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कन्वर्जन के ऊपर, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। मैंने आपको दो यूनिट सिखाई हैं, बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया क्या है अभी तक सेशन में, मैंने आपको दो यूनिट सिखाई हैं, एक है रेडियन, एक है डिग्री, और फिर मैंने कहा आपको थीटा इक्वल टू एल बाय आर, तीन चीज़ें बताई हैं मैंने आपको क्लास में, ठीक है अभी तक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब अगर मान लो कोई आपको बोले कि बेटा डिग्री दे रहे हैं तेरे को, तू इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देगा क्या, या तेरे को रेडियन दे दिया क्या तुम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दोगे क्या, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट सीखेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे जाना है, ठीक है। जैसे कि हर चीज़ की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती है ना, जैसे एरिया की कभी हम सेंटीमीटर क्यूब पढ़ते हैं, कभी हेक्टेयर पढ़ते हैं, है ना, कभी मीटर क्यूब पढ़ते हैं, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स होता है ना, तो वही फंडा हमें अब सीखना है। तो बच्चों पहले मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ और फिर इसकी दूंगा छोटी सी ट्रिक, एक ट्रिक जो जिंदगी भर आपको ऐसे क्वेश्चंस 10 सेकंड में आंसर देगी, ऐसे क्वेश्चंस का 10 सेकंड्स में आंसर देगी, ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूँ और फिर एक 10 सेकंड ट्रिक, ठीक है, ध्यान से देखना। हमने कहा एक रेवोल्यूशन जो होता है, हमने कहा कि एक रेवोल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्रीज होता है, और हमने क्या कहा थीटा इक्वल टू एल बाय आर। जरा मेरे को रेवोल्यूशन के लिए लेंथ ऑफ आर्क बता सकते हो बच्चों, क्या कोई बच्चा मेरी हेल्प कर सकता है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क फॉर द एंटायर वन रेवोल्यूशन। हाँ जी, कोई बच्चा बता सकता है क्या एक रेवोल्यूशन के लिए व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क। कैन आई से कि लेंथ ऑफ आर्क इन केस ऑफ वन रेवोल्यूशन
विल बी द सर्कमफेरेंस, है ना। अगर सर्कल की पूरी की रेवोल्यूशन ले लिया आप, सारा ही एंगल ले लिया, मतलब अब आप सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो मतलब कि हमारा यहाँ पर लेंथ आ गई है 2πr और रेडियस r है, r से r कैंसिल 2π। तो यहाँ से बच्चों ये पता लग गया कि एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होते हैं और 2π रेडियन होते हैं, मतलब कि 360 डिग्रीज की वैल्यू 2π रेडियन होती है, 180 डिग्री की वैल्यू पाए रेडियन होती है, 180 डिग्री की वैल्यू पाए रेडियन होती है, सही बात है, ठीक है। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अब आप बात सुनो, अगर आपको एक रेडियन निकालना है, एक रेडियन में कितना है, एक रेडियन में 180 अपॉन पाए डिग्रीज हैं, और एक डिग्री में दिख रहा है ना, डिवाइड कर रहा हूँ 180 से, तो एक डिग्री में पाए बाय 180 रेडियंस, एक डिग्री में पाए बाय 180 रेडियंस, ये हमने इस फॉर्मूले से देख लिया, पाए बाय 180 रेडियंस। तो ट्रिक है क्या है, अगर आपको रेडियन से डिग्री जाना है क्या करोगे बताओ, किसने ट्रिक प्रेड कर ली, कितने बच्चों को ट्रिक पता लग गई, अगर रेडियन से हमको डिग्री जाना है तो क्या करोगे बच्चों, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से ट्रिक, कैच करी कि नहीं करी, क्या करना है, अगर रेडियन से डिग्री जाना चाहते हो तो 180 अपॉन पाए से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर उल्टा करना चाहते हो, डिग्री से रेडियन जाना चाहते हो, डिग्री से रेडियन जाना चाहते हो तो पाए बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये फंडा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में, इस ट्रिक में, अभी क्वेश्चन करते हैं, ट्रिक समझ में आ गई सभी को, इसको यूज़ करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है जी, समझ में आ गई तो एक बार चैट पर थम्सअप देना बच्चों, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो चैट में ज़रूर एक बार थम्सअप देना, ठीक है, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, क्लियर है ये चीज़, है ना, बिल्कुल मंशा का, हर्ष तक, आई थिंक काफ़ी बच्चों का पहले ही चैट में आंसर आ गया था, बिल्कुल सही है, गुड गुड, ठीक है, चलो ओके, समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छी बात है। तो आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 40 डिग्री और 20 रेडियंस को रेडियन में बांटना है, सॉरी 40 डिग्री और 20 मिनट्स को, सबसे पहली चीज़ तो मिनट्स को डिग्री में लाओ, पूरे को डिग्री में लाओगे तभी सॉल्व होगा, तो मिनट्स को डिग्री में कैसे लाएंगे, 20 अपॉन 60, एक मिनट में 60 एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक मिनट में 1/60 डिग्रीज होंगे, 20 मिनट्स को डिवाइड बाय 60 कर दिया तो इतने डिग्री हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 40 1/3 डिग्री, या फिर 40 × 3 121/3 डिग्री बोलो, इस स्टेप तक कोई दिक्कत, ये स्टेप क्लियर है क्या, नहीं समझे क्या, दोबारा सुनो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहला काम क्या है कि देखो ये डिग्री में है, ये रेडियन में है, सॉरी ये मिनट्स में है, तो 20 मिनट्स को बच्चों बताओ कितना आएगा, सारे बच्चे मेरे को 20 मिनट्स पर डिग्री बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक डिग्री में 60 मिनट्स हैं तो 20 मिनट्स में कितनी डिग्री आ जाएगी, 20 मिनट्स में कितनी डिग्री आएगी बच्चों बताओ, 20 मिनट्स में कितनी डिग्री आएगी, 1/60 कर देंगे, तो 20 मिनट्स इज 20 अपॉन 60 मिनट्स, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास नेट 40 × 1/3 डिग्रीज आ गई हैं, 1/3 बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड साक्षु, भारती, आसमा, है ना, 1/3 डिग्रीज, निशा सही है, समझ में आ गई ये बात, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, 121/3 डिग्रीज है, मैंने कहा है रेडियन में मेजर आपको कन्वर्ट करना है, ट्रिक अप्लाई कर दो, अपने पास अब ट्रिक है उसको अप्लाई कर दो, 121/3 × अब देखो रेडियन में जाना है पाई बाय 180, ठीक है, अब देखो जो कैंसिल हो रहा है ठीक है, वरना आप पाई में भी छोड़ सकते हो, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 121 पाई अपॉन 540, ओके 121 अपॉन 540, सिंपल, सबका आ गया ना आंसर, सबका आ गया, ठीक है, फंडा क्लियर है बच्चों, प्रैक्टिस करें इसके ऊपर और, हाँ जी इसके ऊपर और प्रैक्टिस की जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 रेडियन इन डिग्री, फटाफट से चैट में आंसर्स, 6 रेडियंस को डिग्री में, 6 रेडियंस में कितने डिग्री हैं,
अब डिग्री में करना है, 6 रेडियंस में कितने डिग्रीज, कितना डिग्री एंगल आएगा 6 रेडियन में। यस आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स इन द चैट। सिक्स डिग्रीज इन रेडियंस। सॉरी 6 रेडियंस इन डिग्रीज। रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है। 6 रेडियन, तो 6 रेडियन क्या है, 6 रेडियन क्या है, 6 मैंने आपको बोला है पाई बाय, सॉरी डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई से कर दो, 180 अपॉन पाई से सिंप्लीफाई कर दो। अब आप चाहो तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो पाई की वैल्यू 22/7 डाल सकते हो। आपको क्वेश्चन हमेशा दिया होगा यूज पाई एज दिस, अगर वो चाहता है आप पाई में सॉल्व करो, वरना आप छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, पाई को 3.14 भी डाल सकते हैं, पाई को 22/7 भी डाल सकते हैं। अगर वो लिख रहा है कि यूज पाई एज 22/7, तो बच्चों हमको थोड़ा संभल के चलना है। अगर वो पाई को 22/7 में कन्वर्ट करने को बोलता है, तो बच्चों आपको फिर मिनट्स और सेकंड्स में भी जाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, तो मिनट्स और सेकंड्स में भी जाना पड़ सकता है, ठीक है, क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पर मैं कुछ कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप उनको मुझे कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो डायरेक्टली हमको मेमोराइज करनी है, ठीक है। अब हमें कुछ वैल्यूज ऐसी हैं एंगल्स की जो हमें डायरेक्टली मेमोराइज करनी है, डायरेक्टली अपन को याद रखनी है। तो मैं यहाँ पर कुछ डिग्री मेजरमेंट कर रहा हूँ, सारे बच्चे इसको फिल करेंगे, ठीक है, फिर हम एक साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप लोग इस टेबल को फिल करो, कंप्लीट करो इस टेबल को। 7.5, अरे तो गलत एंगल, गलत कलर हो गया, यस ठीक है, सारे बच्चे इस टेबल को फिल करेंगे। मैं लिख रहा हूँ इसका डिग्री मेजरमेंट, आपको कन्वर्ट करना है सबको रेडियन में। 7.5 15 डिग्री, 7.5 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इन सब डिग्री मेजरमेंट्स को अपन डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। चलो सारे बच्चे फिल करेंगे इसको, इस टेबल को फिल करो, सारी वैल्यूज निकालो, पाई में छोड़ देना, पाई को सिंप्लीफाई नहीं करना है आपने, आपने बस पाई में छोड़ देना है, ठीक है, आपने इसको पाई को सिंप्लीफाई नहीं करना है, आंसर पाई में रखना फटाफट से, और इनको याद ही रखना है। एक मिनट में सब बच्चा फिल कर दो इसको, एक मिनट में ये टेबल फिल कर दो। टेबल को सब बच्चे फटाफट से फिल कर दो, सारी वैल्यूज फटाफट से रेडियन में। हाँ सही कर दिया मैंने, ऊपर गलत लिखा हुआ था, डिग्री लिखा हुआ था, रेडियन है, ठीक है। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं फिल करना स्टार्ट करूंगा, आप लोग बताना सेम आया कि आंसर की नहीं आया। सारे बच्चे फटाफट से सारी वैल्यूज, 7.5, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180, 270, और ये दीज आर द मोस्टली मोस्ट यूज्ड वैल्यूज, इनको आप याद भी रखिए, इनको आपने याद भी रखना है, ठीक है, आपने इनको याद भी रखना है, डायरेक्टली यूज करेंगे अपन इनको क्वेश्चंस में। 15 पाई बाय 360, अच्छा अरे थोड़ा सिंप्लीफाई तो कर दो, अरे यार ऐसा मत करना बच्चों, अ स्मॉल रिक्वेस्ट प्लीज, इसको ऐसे ना छोड़ें, एटलीस्ट जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना रखें इसको प्लीज। 15 पाई बाय 180 मत लिखना, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करना, पाई 15 तो काटो एटलीस्ट, जितना कट रहा है उतना काटो, मैं एकदम सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूँ, पाई में रखो लेकिन सिंप्लीफाई करो, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे ना वो डायरेक्टली आपसे साइन साइन पाई बाय 4 पूछेगा, साइन 45 नहीं पूछेगा, ठीक है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं।
हो गया सबका क्या आंसर? कर दूं मैं सारे फिल कर दूं अब मैं? सबने कर लिया क्या? चेक करना है जरा आंसर, और सब इसके साथ सारे आंसर सही हो मुझे चैट में बताना, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों वैल्यूज, ये है पाई बाय 24, ये है पाई बाय 12, ये है पाई बाय 6, ये है पाई बाय 4, ये है पाई बाय 3, ये है पाई बाय 2, ये है 2 पाई बाय 3, ये है 5 पाई बाय 6, और ये है पाई बाय 2, और ये है 3 पाई बाय 2। बताओ कितने बच्चों के सारे आंसर सही हैं? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल राइट? 5 पाई बाय 24, पाई बाय 12, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। अच्छा ऑलमोस्ट सारे कर ही दिए मंचा ने, गुड यार। कितने बच्चों ने सारे सही कर लिए थे? हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम एंड राइट? हो गए थे सारे सबके, ठीक है? ये जब से ज्यादा यूज होंगे, ये वाले एंगल्स सबसे ज्यादा यूज होंगे, ठीक है? तो हम इनको डायरेक्टली याद रखेंगे। आसमान ने कर लिए थे, वेरी गुड। अभिषेक के हो गए थे, वाह यार बहुत अच्छे अभिषेक यार। आर्यन के हो गए थे, गुड। सलोनी की, अच्छा आई थिंक सलोनी ने आंसर करा सही होंगे, ठीक है? रिटर्न रंग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है आगे बढ़े। अब कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, वो सॉल्व करते हैं। चलो एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। अच्छा था, एक और चीज़, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा मैं पहले आप लोगों से, एक और क्वेश्चन। अच्छा बताओ, एक रेडियन, कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन रेडियन इज ग्रेटर देन वन डिग्री, या वन डिग्री इज ग्रेटर देन वन रेडियन, या फिर वन रेडियन इज इक्वल टू वन डिग्री? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए बी सी, फटाफट इज दैट में, लेट्स सी। इंस्टेंटली आंसर आने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है? मतलब कि कुछ सॉल्विंग ना हो, ना हो कुछ सॉल्विंग ना हो। एक रेडियन डिग्री की बड़ा है, इक्वल है, या फिर छोटा है? सी बी बी सी बी, लेफ्ट में रेडियन है, कंफ्यूजन मत होना, ये सी है ना, लेफ्ट में रेडियन चल रहा है। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, ऐसा कैसे, क्यों कर रहे हो? सोचो दोबारा, दोबारा सोचो यार, इतने बच्चों ने गलत कर दिया। जल्दीबाजी में ना करें आंसर, सोचो सोचो सोचो। एक बच्चे का सही है, ज्योति, वेरी गुड, ज्योति का सही आया। ए सही है भाई, ए स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, वन रेडियन इज ग्रेटर देन वन डिग्री। एक रेडियन में 57 डिग्रीज होते हैं, एक रेडियन में। सीधे देखो ना, वन रेडियन इज वन इंटू पाई बाय 180, ठीक है? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया, रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो वन रेडियन इज 180 अपॉन पाई डिग्रीज। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो ना, 180 अपॉन 3.14 या फिर 22/7, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्रीज। एक रेडियन में 57 डिग्री होते हैं, ठीक है? एक रेडियन में 57 डिग्रीज होते हैं, एंड वन रेडियन इज ऑलमोस्ट 57 टाइम्स 1 डिग्री। समझ में आ गई बड़ी बात, समझ में आ गई ये बात? तो कौन बड़ा है? वन रेडियन बड़ा है। कोई आगे से पूछे ना, वन रेडियन बड़ा है, वन या वन से वन डिग्री बड़ा है, तो क्या आंसर करोगे? वन रेडियन बड़ा, ठीक है? समझ में आ गई बात, क्लियर है ये चीज? चलो एक कल के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको सोचना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कल के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको सोचना। अब मैंने ये क्यों कराया था आपको? इसलिए कराया था ताकि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकूँ। बताना, साइन वन रेडियन बड़ा है, साइन वन डिग्री बड़ा है, ठीक है? या फिर साइन ऑफ वन रेडियन छोटा है साइन ऑफ वन डिग्री से, या फिर साइन ऑफ वन रेडियन इज इक्वल टू साइन ऑफ वन डिग्री। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचना इसके बारे में, ठीक है? इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल दूंगा, ठीक है? ट्राई करके आना, इसको मैं कल देता हूँ। आगे बढ़ते हैं सेशन में। चलिए एक क्वेश्चन है, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट सेंटर,
फाइंड द रेशो ऑफ द रेडर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, फटाफट से चैट में आंसर, फटाफट से चैट में आंसर बताओ क्या आ रहा है क्विकली. सारे बच्चे इसका फटाफट से चैट में आंसर बताएंगे. इसने बोला है कि यार आर्क लेंथ सेम है ना, सेम लेंथ की आर्क ली है, दो सर्कल है, एक ने 65 डिग्री बनाया सेंटर पे, एक ने 110 डिग्रीज बनाया, तो आप ये बताओ उनके रेडियस का रेशो कितना आएगा. 22:13. वेरी गुड निशा, सबसे पहले निशा का आया, बहुत अच्छे. 22:13 आता है आंसर. 22:13 सलोनी का भी सही है. ठीक है, R1:R2 22:13 बिल्कुल सही है. वेरी गुड. ठीक है, आगे सबका देखो, मैं भी सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको. तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, लेकिन ध्यान रखना है मैंने आपको बोला है थीटा इन रेडियंस. तो 65 डिग्री को अपन 65 इंटू पाई बाय 180 और 110 को भी 110 इंटू पाई बाय 180 ये लिख देते हैं. ठीक है, अब इनको इसको हम दो फॉर्मूले के लिए यूज करेंगे. थीटा वन अपॉन थीटा टू इज एल वन अपॉन आर वन अपॉन एल टू अपॉन आर टू. थीटा वन कितना है 65 पाई बाय 180 और थीटा टू कितना है 110 पाई बाय 180. और यहाँ पर बच्चों L1 और L2 इक्वल है, लेंथ ऑफ सेम आर्क बोला है, तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1. आपके पास R2 अपॉन R1 आ गया है. ये पाई बाय 180 तो कट ही कर दो, 65 अपॉन 110 5 कैंसिल करो, ऊपर 13 आएगा और यहाँ पर 22 आएगा. तो रेडियस का रेशो 22:13 हमारे पास निकल के आ गया. एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन. समझ में आ गई बात बच्चों, क्लियर है ये चीज? जी हाँ, क्लियर है ये फंडा. चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. रिपीट करूं क्या? देखना, पहले वाले के लिए फॉर्मूला लगाया थीटा इक्वल टू एल बाय आर, तो वो आया 65 पाई बाय 180 एल अपॉन, मान लिया लेंथ एल वन है और रेडियस आर वन है. इस तरह से दूसरे के लिए भी लगा दिया और डिवाइड कर दिया. अब लेंथ उसने इक्वल बोला है, मतलब एल वन इज इक्वल टू एल टू कट गया और हमने आर वन आर टू का हो गया. मैं पंजाब से नहीं हूँ, हाँ पंजाबी हूँ बट मतलब मेरा कोई रिश्तेदार, मतलब रिश्तेदार तो होंगे, मतलब मैं पंजाब में नहीं रहता हूँ. ठीक है, ऑल दो मेरे एंसेस्टर रहते होंगे बट मैं नहीं रहता हूँ अभी. आई एम फ्रॉम राजस्थान. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड. अच्छा क्वेश्चन है ये. जो मैंने बोला था ना कि यार छोटे छोटे एंगल्स को भी मेजर करना होता है, तो वो ऐसे के लिए. अच्छा, आसमा भी राजस्थान से. अच्छा, सारे बच्चे ज़रा बताना ज़रूर मेरे को कहाँ कहाँ से हो यार. मैं हूँ राजस्थान. लेट्स सी कितने कौन कौन से स्टेट से सारे बच्चे आए हुए हैं. आई एम फ्रॉम राजस्थान से, मैं बीकानेर से हूँ. ठीक है, आई गेस सभी ने बीकानेर का नाम सुना होगा. कहाँ कहाँ से हैं? अच्छा, साक्षी इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल. हाई जे रैंकर्स, अरे गुड टू सी यू, ही इज़ माई ओल्ड स्टूडेंट. निशा इज़ फ्रॉम बिहार. मोइनेश इज़ फ्रॉम राजस्थान. ओके, साक्षी वेस्ट बंगाल. सलोनी इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश. ओके, साक्षी ओके, निशा है बिहार से. अच्छा, जे रैंकर्स तो मुझे पता है दिल्ली से बेटा. अच्छा, मंशा भी पंजाबी है क्या? कहाँ से मंशा बेटा? अभिषेक एक रेडियन. अच्छा, मैंने कहा ये तो कोई स्टेट है नहीं जो मैंने सुनी भी नहीं हूँ. ठीक, ओके. माधुरी इज फ्रॉम नाशिक. अच्छा, अभिषेक बिहार से. गुड गुड. आई कुड सी ऑलमोस्ट पूरा इंडिया के भाई कोने कोने से हैं. मोस्टली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, राइट? कुछ साउथ इंडिया से नहीं है. अच्छा, मंशा इज फ्रॉम हरियाणा बट शी इज़ पंजाबी जस्ट लाइक मी. ठीक है सही है. चलो यार, गुड टू सी. अच्छा, चूरू से है. ओके, आसमा इज फ्रॉम चूरू, ग्रेट. हरियाणा, लखनऊ. ठीक है, साउथ इंडिया से कोई नहीं है क्या? लव फ्रॉम कनाडा. अरे ऋषि को ही तो पढ़ाना था मुझे. लेकिन ऋषि यार, तू
सीबीएसई का बोर्ड के क्या यूज कैसे करेगा कनाडा में? हाँ ठीक है जी, चलो यार, गुड टू सी यू, गुड टू सी ऑल द स्टूडेंट्स. चलो ग्रेट, लेट्स लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. हाँ जी, इसका आंसर बताओ. अब 360 रेवोल्यूशंस हैं एक मिनट में. एक मिनट में अगर 360 रेवोल्यूशंस हैं तो कितने रेडियन घूमेगा एक सेकंड में? एक सेकंड में कितना रेडियन घूम जाएगा बताओ. मतलब अभी डिग्री निकालना है, रेडियन में निकालना है आपको, रेवोल्यूशंस में मत छोड़ देना. एक मिनट में अगर आपके 360 रेवोल्यूशंस है. ओके, सलोनी का आंसर सही है, वेरी गुड. निशा का भी सही आ गया आंसर. सागर ईस्ट से, ओके ओके ठीक है. 12 पाए, 12 पाए जिस इसका आंसर आया, दैट्स राइट. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12 पाए. कैसे निकाला? देखो, 360 रेवोल्यूशंस घूम रहा है, 360 रेवोल्यूशंस हो रहे हैं एक मिनट में, मतलब कि 60 सेकंड्स में, है ना. अगर 60 सेकंड्स में 360 रेवोल्यूशंस है तो एक सेकंड में कितने हो जाएंगे, एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस हो जाएंगे? 360 अपॉन 60, जस्ट सिंपली 6. तो एक सेकंड में 6 बार घूम चुका है, 6 बार कंप्लीट रेवोल्यूशंस मार लिए हैं, ठीक है, 6 बार कंप्लीट रेवोल्यूशंस मार लिए हैं. अच्छा, तो कितने रेडियंस हो जाएंगे? एक रेवोल्यूशन में 2 पाई होते हैं, 6 में 12 पाई नहीं हो जाएंगे क्या? इजी, हलवा क्वेश्चन भाई, कर दिया, ठीक है. चलिए 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 चलो गाइस, बैक टू द टॉपिक. हमने डिस्कस कर लिया वो टॉपिक, अब हम इस पे आएंगे. इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ, और ये बहुत सा क्वेश्चन है, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन. एक मिनट लो, लेट्स सी सबसे पहले कौन आंसर करता है. वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये. जी हाँ, सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क. यार ये बड़ा अच्छा, ट्वेल्व डिग्री 36 पाई में आंसर करो यार, अभी तो प्रण लेके आए हम. चल लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालनी है, माइनर आर्क की लेंथ 20π/3, ठीक है, 20π/3 इज करेक्ट. देखो अच्छा, एंगल कितना बन रहा है सबसे पहली चीज़ तो ये है, व्हाट इज़ द एंगल. हाँ बच्चों, जो सर्कल है, ये सर्कल है, बना देता हूँ पहले मैं, ये सर्कल के अंदर एंगल कितना आ रहा है, व्हाट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट सेंटर. देखो जी, ये बनाया हमने कॉर्ड, ठीक है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर डायमीटर, रेडियस हो गया 20, ये भी 20, कॉर्ड इज 20. क्या दिख रहा है इसको देख के, कुछ फिगर आउट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? कुछ दिख रहा है, पाई बाय 3 रेडियंस, वेरी गुड. ये तो राइट एंगल, सॉरी ये तो इक्विलेटरल है, एंड ऑल एंगल्स आर पाई बाय 3. 60 डिग्री होते थे ना, 60 डिग्री पाई बाय 3, पाई बाय 3, सारे एंगल्स पाई बाय 3 है. थीटा इक्वल टू एल बाय आर लगा दो, एल चाहिए, एल इक्वल टू आर थीटा लगा दो, आर 20 थीटा पाई बाय 3, ये आ जाएगा 20 पाई बाय 3 इज द लेंथ ऑफ द आर्क. बोलो, कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन, ठीक है. चलो नेक्स्ट पे चलें फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ ऑब्टेंड एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री एट सेंटर, फाइंड रेशियो ऑफ द रेडियस, वेरी इजी. ऐसा हम एक करके भी आए थे, जो याद है आंसर इसका आया था 13:11 आया था शायद, ऐसा एक कुछ क्वेश्चन करके आया, 13:22 आया था शायद, है ना. सेम वही फंडा है, फटाफट सारे बच्चे आंसर करेंगे इसको भी. 60 डिग्री 75 डिग्री आंसर बताओ, 60 75 आंसर बताओ. अब तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ऐसे क्वेश्चन में, करना क्या होता है, 5:4 बिल्कुल सही है, सीधा डिवाइड कर दो, सीधा डिग्री को डिवाइड कर दिया करो, आंसर वही आता है. बाकी सब कटता है ना, बाकी सब कट जाता है, एवरीथिंग गेट्स कैंसल आउट, सिर्फ डिग्री बचता है हमारे पास, सिर्फ डिग्री मेजरमेंट बचता है,
60 75 डिवाइड कर दिया, 75/60 आंसर आ गया, जीत गए। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, L1 रेशियो ऑफ द रेडाई R1/R2, ठीक है। थीटा इक्वल टू L/R होता है, R इक्वल टू L/थीटा, तो L1/θ1, L2/θ2। L1 कितना है, L1 L2 इक्वल दिए, आंसर आ जाएगा θ2/θ1। अब आप देखो इसको पाई बाय 180 वाला पार्ट तो कटेगा, आप इसको ऐसे छोड़ दो, 75/60 5/4 15 से कैंसिल कर दो, सिंपली हो गया 5/4, ठीक है जी। अरे बोलो, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ, लेंथ से मतलब बोले तो ये क्या है सोच लेना, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क, तीन पॉसिबिलिटीज दी हैं। ये हमारी 3.1 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या है, व्हाट इज द आंसर। व्हाट इज द आंसर, व्हाट्स द आंसर, पहले का 2/15 राइट, 2/15 राइट, दूसरे का, दूसरा तो बहुत सिंपल आंसर आ जाएगा, थीटा इक्वल टू L/R, L पहले में 75 है, रेडियस 10 है, 75/10, आप इसको उल्टा लिख दिया क्या मैंने, सॉरी 10/75 आएगा, कितना हो जाएगा, L इज 10, दैट्स 25, तो 10/75, ठीक है, इसको कैंसिल कर दो 5 से, 2/15 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट का आंसर बहुत सिंपल है, सेकंड वाला भी, थीटा इक्वल टू L/R, 15/75, 1/5 आ जाएगा, और फिर आखिरी वाला 21/75, कितना हो गया, आई थिंक ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 7/25, 2/15, 1/5 और 7/25, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। मंशा का ये सही है, सलोनी का भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, किसी को भी, जी हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो क्लियर है सभी को, फंडा समझ में आ गया। तो आज जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए, ठीक है, मैंने आज जो कुछ भी कॉन्सेप्ट बताया, कि मैंने आपको बताया कि डिग्री मेजरमेंट होता है, मैंने आपको बोला रेडियन मेजरमेंट होता है, मैंने कहा एक से दूसरे में कन्वर्शन करना, मैंने आपको थीटा इक्वल टू L/R बताया, क्या सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है बच्चों, ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है, सारे बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना, या फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, साइन 1 रेडियन बड़ा है या साइन 1 डिग्री बड़ा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, विच इज़ ग्रेटर, ये आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, ठीक है, ठीक है डेली, हाँ मैं, हाँ मेरी क्लास जो, हाँ मैं क्लास टाइमिंग्स बता देता हूँ बच्चों, मंडे वेंसडे फ्राइडे 6 PM क्लास टाइमिंग्स है, मंडे वेंसडे फ्राइडे 6 PM, ठीक है। चलो आई होप यू रियली एंजॉय द सेशन, एंड बच्चों इस क्लास का PDF मैं अभी डाल दूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चैट में है, चैट में नहीं है, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले लेना, ठीक है। चलिए एंड गाइज मेक श्योर, अगर आपको ऐसे सेशंस मज़ा आता है, पसंद है तो आप ऐसे और भी सेशंस को अटेंड कर सकते हो, एंड इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे, इन अ बैच फॉर्म, ठीक है, जहाँ पर आपको सारे के सारे बेस्ट एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, यू गेट क्लास नोट्स, यू गेट लाइव क्लासेस, आपको मेंटरशिप मिलती है, कोई टीचर होता है, आपको एडुकेटर्स गाइड करते हैं वहाँ पर कि किस तरह आपको थ्रू आउट योर सब्सक्रिप्शन परफॉर्म करना है, आपको टेस्ट दिए जाते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज वहाँ पर चल रही है, तो ये सब फीचर्स बच्चों आपको कहाँ मिलेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलेंगे, तो मेक श्योर आप प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसमें क्या है बच्चों आपको ये सारे फीचर्स भी मिलेंगे,
एंड ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू पे दिस मच. आपको अगर एक साल का लेना है बच्चों तो आपको 15,000 पे करने पड़ेंगे. एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड विच इज़ AVEE10 तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा एंड यू वुड हैव टू पे 13,500. ठीक है, अगर आप दो साल का लेते हैं सिंस यू आर इन क्लास इलेवेंथ आप दो साल का भी ले सकते हो. तो दो साल के लिए बच्चों आपको पे करना होगा 25,000 रुपये एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड अगेन यू जस्ट हैव टू पे 22,500. ठीक है, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. वो प्लस से भी बेटर है, मतलब वहाँ पर कॉन्स्टेंटली एक बंदा है जो आपको गाइड करता रहेगा, आपको हर स्टेज पर बताता रहेगा ताकि आपको कोई समस्या ना. ठीक है, आप कहीं रुकोगे नहीं, कहीं आप अटको ना, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टेंट गाइडेंस मिलती रहेगी फ्रॉम वन ऑफ द एडुकेटर्स. एंड उसके लिए बच्चों आपको 25,200 पे करना होगा. इसकी प्राइस तो बच्चों 28,000 है, बट इफ़ यू यूज़ माई कोड दैट्स AVEE10 तो आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 25,200 रुपये दे के. ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत? आज स्पेशल क्लास नहीं है, सॉरी यार, आज थोड़ा सा बिजी हूँ तो आज स्पेशल क्लास नहीं है, रियली सॉरी. एंड गाइज, आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड माई प्लस कोर्स. काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि प्लस कोर्स कब से होगा, तो प्लस कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं उसकी आई थिंक 3 क्लासेस हो गई हैं, तो उसको भी ज्वाइन करो. ठीक है, और बताओ मज़े में. जी हाँ, और कोई समस्या, टेंशन, दिक्कत, परेशानी? सब मज़े में चल रहा है. ठीक है, एंड ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लें यार, ऐप को मत छोड़ना है खाली, ऐप को इंस्टॉल कर लो. और अगर चाहते हो तो भाई आपके मतलब आपको प्लस नहीं ले रहे हो तो आप एटलीस्ट फ्री फीचर्स को बिल्कुल बिंदास यूज़ करो. अब फ्री फीचर्स में क्या है, आपको क्विज़ है, प्रैक्टिस करनी है किसी टॉपिक की, क्विज़ कर लो, टेस्ट्स हैं, स्पेशल क्लास है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है. स्पेशल क्लास बेसिकली आपको एक प्लस क्लास का आइडिया लेने के लिए हर स्पेशल क्लास को अटेंड करो, आपको पता लग जाएगा प्लस पे पढ़ाई कैसी होती है. ठीक है, ऐप को इंस्टॉल करो, नंबर डालो, लॉगिन करो, गोल सेलेक्ट करो, क्लास 11, मेन्यू पे जाके प्लस सेलेक्ट करो, टेस्ट पे जाओ और टेस्ट पे जाके अपना क्विज डाल दो. अगर आपने ये सब फीचर्स अभी तक अनलॉक नहीं किए थे तो येरा कोड इससे अनलॉक हो जाएंगे. ठीक है, अभी एक ऑफर भी चल रहा है, जरा उसके बारे में बता देता हूँ. अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और 24 मंथ्स मतलब कि अगर दो साल का लेते हो तो 6 महीने का मिल जाएगा. ये सबसे खतरनाक चीज़ है, 18 मंथ्स का अगर आप लेते हो ना तो आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा और आप ऑटोमेटिकली आपकी 12th तक की सारी तैयारी हो जाएगी. तो कोई बच्चा अगर ले रहा है तो उसको ये लेना चाहिए, 11th क्लास के बच्चों के लिए ये सबसे खतरनाक है. ठीक है, एंड दैट्स इट. मेक श्योर सेशन को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ठीक है, चलो अलविदा लें बच्चों फिर, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. चलो बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट.